आल पाकिस्तान वडानी कौमी इतिहाद की जानिब से तहसील कोटशुटा के शहर नोतक महमीद में मुश्तरका इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में हर वडानी बस्ती के रहनुमा ने शिरकत की, दर्जनों रहनुमाओं ने इतिहाद मुशावरात में हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं रावल खान वडानी की इस रिपोर्ट में। आल पाकिस्तान वडानी कबीला इतिहाद की जानिब से कोटशुटा के शहर नोतक महमीद में मीटिंग का इनकाद किया गया, जिसमें तहसील और यूनियन कौंसलों से वडानी बरादरी के बुजुर्ग रहनुमाओं के साथ नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का बाकायदा तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद शहजाद मोहसन वडानी ने वडानी यूथ इतिहाद के इगराज व मकासद से शुरका को आगाह करते हुए अपनी बरादरी को हर छोटे बड़े मसाइल और गुरबत के खात्मे और कौम में हकीकी शौर तलीम को बेदार करने के लिए मुतहद होने की दावत दी। इस तारफी मीटिंग में अख्तर अब्बास वडानी ने शुरका से कहा कि जब तक अपने आपस के इख्तलाफ को भूल कर हम एक नहीं हो जाते, हम महकूम बनकर पिसते रहेंगे। मरूफ समाजी कारकुन डॉक्टर रहमत रजा वडानी का कहना है कि हमारे इतिहाद का मकसद मिलजुल कर एक दूसरे के काम आना है और बरादरी में तलीम आम करना है। वडानी बलोच कबीला डेरा गाजी खान डिवीजन का सबसे बड़ा कबीला है, जिसमें तकरीबन 80 से ज्यादा बस्तियां हैं, लेकिन 70 सालों से इस कबीले में कोई तालीम और तरक्की का काम नहीं हुआ और बरसों से कबीले के अफराद को उसके हकूक से महरूम रखा गया। इन मुश्किलात से निपटने के लिए कबीले को मुतहद करने के लिए अभी काम जारी है और अभी तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द तंजीम साजी पूरी करके हलफ बरदारी की जाएगी, जिसके बाद हम सियासी लायामल पर मुशावरत करेंगे। इस मीटिंग में वडानी कौमी इतिहाद के रहनुमा, जिसमें बस्ती जाम बस्ती फौजा शहर तक और दीगर इलाकों से हमीद खान वडानी, गुलाम रसूल वडानी, अरशाद हुसैन वडानी, हाजी नजीर अहमद, करीम बख्श खान, गौर खान वडानी, हाजी अल्लादाद शाहनवाज, शाहरुख खान वडानी और दीगर रहनुमाओं ने भरपूर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिर में गुलाम रसूल वडानी ने रहनुमाओं को आपस में मोहब्बत और इतिहाद के लिए दुआ की और साथ ही मुल्क कौम की सलामती के लिए खसूसी दुआएं की गई। कैमरा टीम के साथ रावल खान वडानी, डेरा गाजी खान।